हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में मैं बिल्डिंग मटेरियल के बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा कॉन्सेप्ट्स के साथ, जो कि आपको अभी जो एग्जाम्स होने वाले हैं UPPSC का, JPSC का, OPSC का, CGPSC का, लखनऊ मेट्रो, DMRC असिस्टेंट मैनेजर, गेट, SSC JEE, इन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं जो कि अभी तक किसी एग्जाम्स में नहीं पूछे गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सो केयरफुली मेरा ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखें और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लें। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें मैंने पूछा है कि एज पर IS-3102 द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स हैज बीन कैप्ट एज। सबसे पहले हम IS कोड की बात कर लेते हैं। जो ये हमारा कोड है, ये हमारा रिकमेंड करता है कि जो हमारी मिनिमम क्लास ऑफ बर्नट क्ले सॉलिड ब्रिक्स होते हैं उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ हमारी 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दी है एज पर दिस कोड, जो कि अराउंड 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली हमारा एक और IS कोड है IS-1077, जो ये कोड है कॉमन बर्नट क्ले ब्रिक्स का। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन है वो 11 कैटेगरीज में किया गया है, जिसमें जो हमारी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो हमारी है 3.5 kg न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या इसे कह सकते हैं 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो हमारी मैक्सिमम इस 11 में से जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो हमारी दी गई है 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, विच इज अराउंड 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमारी जो ब्रिक की स्ट्रेंथ है इज ग्रेटर देन 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एमएम स्क्वायर, तब हम उन ब्रिक्स को बोलते हैं हैवी ड्यूटी ब्रिक्स। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए वो आंसर ऑप्शन ए होगा। बट अगर ये हमारा 1077 IS कोड के अकॉर्डिंग पूछ रहा होता तो हमारी जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती वो 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ये पूछ रहा है नॉन मेटेलिक मटेरियल सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन आर लाइनिंग ऑफ फर्नेस ऑपरेटेड एट हाई टेम्परेचर्स। यहाँ पे मैं सारे क्लासिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हैवी ड्यूटी ब्रिक्स जो होते हैं इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी 40 Nm/mm² से ज़्यादा होनी चाहिए, और हैवी ड्यूटी ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हैवी इंजीनियरिंग वर्क्स में यूज किए जाते हैं, जैसे कि हमारे फाउंडेशंस हो गए, ब्रिज के पियर्स हो गए, वहाँ पे ये यूज किए जाते हैं। जो सैंड लाइम ब्रिक्स होते हैं ये हमारे कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक्स होते हैं, जो कि हमारे मैसनरी कंस्ट्रक्शंस में यूज किए जाते हैं। और जो हमारे रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हैं दीज आर द फायर क्ले ब्रिक्स, जो कि हमारे फ्लिंट क्ले, एक टाइप की स्पेशल क्ले होती है, और एक और क्ले होती है जिसे हम ग्रॉग बोलते हैं, जो हमारी बर्नट फायर क्ले होती है। इन दोनों को मिक्स करके वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट करके बनती है, और इस ब्रिक्स को हम रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स भी बोलते हैं। और दीज आर यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस जहां पे हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, अराउंड 1700 to 1800 degrees Celsius, वहां पे हम इन्हें यूज कर लेते हैं। और ओवेंस वगैरह पे, किल्न्स वगैरह पे जहां पे हम ब्रिक्स बनाते हैं वहां पे हमारे ये सारे ब्रिक्स यूज होते हैं। इसी की कैटेगरी में हमारा एक ब्रिक एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होता है, विच इज हाईली रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर। सो हमारा ये क्लासिफिकेशन फायर क्ले ब्रिक्स का होता है, जिन्हें हम रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बोलते हैं। जो हमारे एसिड रेजिस्टेंस ब्रिक्स होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, जहां पे हमें केमिकल रेजिस्टेंस वगैरह चाहिए होता है वहां पे हम इन ब्रिक्स को यूज करते हैं, लाइक सीवर्स वगैरह में वहां यूज कर लेते हैं। सो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का बी होगा। सो करेक्ट आंसर इज बी हियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, जिसे हम PPC भी बोलते हैं, ये एज पर IS-41489 इसके स्पेसिफिकेशंस गवर्न्ड है। तो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट के क्लिंकर्स होते हैं उसमें हम ग्राइंडिंग के दौरान पोजोलोना इन द फॉर्म ऑफ फ्लाई ऐश
या शेल 10-25% ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमारी सीमेंट बन के आती है फाइनली, उसको हम पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट बोलते हैं, पीपीसी। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हमारा जो कैल्शियम हमारा ऑक्साइड होता है, ये पोजोलोना के साथ जो हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड है इसके साथ COS2 जो कि हमारा हाइड्रेशन से निकलता है सीमेंट की, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जब पानी डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये एक कंपाउंड बना लेता है पोजोलोना के साथ रिएक्ट करके .S2, जिसे हम हाइड्रेटेड कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये रिएक्शन करता है तो ये हमारा जो कंपाउंड बनाता है, दिस इज वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी, जो इस सीमेंट को हाईली रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक कर देता है। सो द करेक्ट आंसर जो होगा इसका, हायर रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक देन द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होगा। जो हमारा ऑप्शन बी है इसकी बात कर लेते हैं, जो हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन के रिगार्डिंग हीट ऑफ हाइड्रेशन है, ये हमारा 30% अगर हम फ्लाई ऐश यूज करते हैं तो हमारा 50% रिडक्शन इन हीट ऑफ हाइड्रेशन हो जाता है। सो हमारा पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू ओपीसी। अब श्रिंकेज की बात करते हैं कि हमारा जो पीपीसी की फाइननेस होती है वो हमारी मिनिमम होनी चाहिए 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, और जो हमारी ओपीसी होती है उसकी हमारी होती है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हमारी फाइननेस ज्यादा है तो हमारा श्रिंकेज जो होगा ऑन ड्राइंग का केमिकल, हमारा सरफेस एरिया किसी भी पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा होगा, हमारा रेट ऑफ हाइड्रेशन बहुत तेजी से होगा, सो हमारा जो श्रिंकेज होगा वो भी ज्यादा होगा, बिकॉज हमारी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वर्केबिलिटी वो भी बढ़ जाएगी। सो ये हमारा हायर श्रिंकेज होगा इन पीपीसी सीमेंट। लो और लो हीट सीमेंट की बात कर लेते हैं, जो लो हीट सीमेंट होती है उसका हमारा फाइननेस जो होता है वो 3200 स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम होता है। इसकी करेक्टरिस्टिक ये होती है कि जो हमारा C2S होता है और C4AF होता है, इसका हम कंपोजिशन इंक्रीज कर देते हैं अपनी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, तो हमारा जो लो हार्डनिंग होती है इनिशियली, बट हमारी स्ट्रेंथ लास्ट में सेम अचीव कर लेता है जो ओपीसी होती है, ठीक है। हमारा हाइड्रेशन की जो वैल्यू है, हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन वो भी कम होती है लो हीट सीमेंट में, इसलिए हम इसे डैम्स वगैरह के में यूज करते हैं। सो जो हमारा पीपीसी है उसका जो रेट ऑफ हार्डनिंग है वो हमेशा लो हीट से ज्यादा होगा। सो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा बी होगा, ए होगा सॉरी। उसके बाद सीमेंट की बात कर लेते हैं, जो हमारा सीमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमारा बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं हम इसको। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा, इट इज ऑलवेज ग्रे इन कलर। ग्रे कलर जो हमारा सीमेंट का होता है वो जनरली ग्रे कलर की होती है, हमेशा ग्रे कलर की सीमेंट नहीं होती, इट मे बी वाइट ऑल्सो। सो जो ग्रे कलर आता है ये हमारा एक कंपाउंड होता है जो टेट्रा एल्यूमिनो फेराइट बोलते हैं, जो आयरन ऑक्साइड के रिएक्शन के साथ बनता है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, जो कैल्सेरियस कंपाउंड हम डालते हैं सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में। सो दिस कंपाउंड आयरन ऑक्साइड रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, जो हमें ग्रे कलर इंपार्ट करता है। सीमेंट हमारा हाइग्रो, इसलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। जब फ्रेश होती है हमारी सीमेंट इट इज नॉट ब्रिटल, इट इज इन पाउडर फॉर्म, सो इट इज नॉट इन ब्रिटल स्टेट। जो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोस्फेयर, ये पानी के मॉइस्चर, पानी मॉइस्चर को अट्रैक्ट करते हैं अपने सरफेस पे और उसके साथ हमारा रिएक्शन कर लेते हैं, विच इज नोन एज हाइड्रेशन प्रोसेस। सो हमारा जो सीमेंट की प्रॉपर्टी है वो हाइग्रोस्कोपिक होती है, सो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं, इट इज रिएक्टिव, जो हमारा कैरोसिन है ये हमारा एक पोलर लिक्विड होता है, तो पोलर लिक्विड की पहचान ये होती है कि हमारी सीमेंट के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, नो रिएक्शन विथ सीमेंट कैरोसिन। और जो हमारी, इसीलिए हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है सीमेंट की उसके टेस्ट में हम कैरोसिन यूज करते हैं, बिकॉज ये केमिकली रिएक्टिव नहीं होता है सीमेंट के साथ। तो करेक्ट आंसर इज सी हियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इफ हाइड्रोलिक लाइम इज यूज एज अ मेन बाइंडिंग मटेरियल इट शुड बी यूज, ये बात कर रहा है कि अगर हम हाइड्रोलिक लाइम यूज कर लेते हैं एज अ मेन बाइंडिंग मटेरियल, मगर अगर मोर्टार बना रहे हैं हाइड्रोलिक लाइम का तो हमें उसको कितनी दिन में यूज कर लेना है आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है। तो जो हमारा हाइड्रोलिक लाइम होता है उसकी बात कर लेते हैं, ये जो हाइड्रोलिक लाइम होता है हमारा कैल्शियम
ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपोजिशन होता है 70-80% हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है एंड लेस देन हमारा 5% जो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है विथ सम सिलिकेट्स ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना विथ सम आयरन ऑक्साइड. तो जब हम इनको पानी में डालते हैं तो इसकी स्लेकिंग हो जाती है. सो हम जब अपना मोर्टार में इसको यूज करेंगे तो जो हमारी स्टैंडर्ड गाइडलाइन है इसे हमें वन डे में यूज कर लेना है. विट मीन्स 24 घंटे के अंदर हमें जो हमारा मोटार है हाइड्रोलिक लाइम का उसे यूज कर लेना है. और अगर हमारा यही सेम फैट लाइम के साथ यूज कर रहे होते तो हमारे पास ज्यादा टाइम होता है 48 से, जो उसकी कंसिस्टेंसी होती है मोटार की इस लाइम के साथ ज्यादा होती है और वो ज्यादा देर तक हमारा पेस्ट जो होता है स्टिफ नहीं होता है. इट कैन हैव द मोर कंसिस्टेंसी फॉर अ ग्रेटर पीरियड. सो हम इसे 48 से 72 आवर्स तक यूज कर लेते हैं जो हमारा फैट लाइम मोटार होता है. सो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा इसका. 24 आवर्स तक हमें हाइड्रोलिक लाइम मोटार को यूज कर लेना है बिकॉज उसके बाद उसकी कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है. सो इट कैन नॉट बी यूज एज अ बाइंडिंग मटेरियल. उसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्रीगेट इन सीमेंट कंक्रीट रिजल्ट्स इन इकोनॉमी इन कंक्रीट प्रोडक्शन. जो हमारा सीमेंट कंक्रीट में जो हमारे एग्रीगेट्स यूज होते हैं, एग्रीगेट्स तो हमारे जनरली हमें इनर्ट मानते पर इनर्ट होते नहीं है. दे आर द फिलर विथ बाइंडिंग मटेरियल. जो भी हम बाइंडिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं अपने कंक्रीट में ये एक तरीके से फिलर की तरह काम करते हैं हमारे. और जनरली ये हमारी कंक्रीट में 70-80% जो वॉल्यूम होती है वो कंक्रीट की होती है. सो जो भी हमारे एग्रीगेट्स हैं दे इम्पार्ट वॉल्यूमेट्रिक स्टेबिलिटी टू द कंक्रीट. हमारी ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड इकोनॉमिकल कर देते हैं हमारे कंक्रीट को. इट प्रोवाइड्स स्टिफनेस सफिशियंट स्ट्रेंथ टू द कंक्रीट. तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी इंक्रीज कर जाती हैं. सो करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा. जो हमारा क्रीप और श्रिंकेज है ये हमारे रिड्यूस हो जाते हैं विद द एडिशन ऑफ एग्रीगेट्स इन द कंक्रीट बिकॉज ऑफ डिफरेंट थर्मल एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट विथ सीमेंट पेस्ट. जो भी हमारा सीमेंट पेस्ट बन रहा है हाइड्रेशन के बाद उसकी जो हमारी थर्मल इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एग्रीगेट प्रॉपर्टीज. सो इनका जो बिहेवियर होता है वो ऐसा होता है कि जो हमारा क्रीप और श्रिंकेज है वो कंक्रीट का रिड्यूस होगा जब हम एग्रीगेट हमारा अपनी हमारी वॉल्यूम में कंक्रीट की 70-80% तक जो रहता है उसकी वजह से. सो करेक्ट आंसर इज सी हियर. उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक फीचर्स. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑन अ कार्ड इन अ पंच्ड कार्ड. पंच कार्ड हमारा एक तरीके से स्टिफ्ड कार्ड होता है. इसमें बार कोडिंग वगैरह रहती है जिसमें हमारे बहुत सारे फीचर्स इंडिकेटेड होते हैं. ये हमारा जो पंच कार्ड सिस्टम है ये हमारा कॉमर्शियल जो इंडिया में टिम्बर्स यूज होती हैं उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ये सिस्टम यूज करते हैं. और ये गवर्न होता है हमारा IS-4970 के स्पेसिफिकेशन से कि हमें कैसे कैसे अपनी स्पेसिफिकेशंस जो बनाई गई हैं जिसके बेसिस पे हम अपनी टिम्बर को कमर्शियल यूज के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जो भी टिम्बर यूज कर रहे हैं बबूल हो गया टीक हो गया तो देयर आर सर्टेन डायग्नोस्टिक फीचर्स. तो जो हमारा ये कोड कहता है कि देयर आर 63 फीचर्स दैट आर इंडिकेटेड इन दिस पंच कार्ड सिस्टम फॉर्मिंग अ पंच्ड की. ठीक है तो 63 हमारे ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि हो सकता है कि हमारी स्ट्रीक कैसी है हमारी टाइप ऑफ वुड कैसी है वो सॉफ्ट है या हार्ड है. इस तरह के बहुत सारे उसका जो हमारा बोटानिकल नेम है वुड का इससे रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम कमर्शियल टिम्बर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. सो करेक्ट आंसर इज 63 हियर. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेनरिंग मीन्स. वेनरिंग हमारा एक प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का जिससे हम थिन शीट्स ऑफ वुड बनाते हैं जो कि हमारी प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग में और लैमिनेटेड बोर्ड्स को बनाने में यूज होता है. ठीक है और जो हमारी थिकनेस है वो हमारी जनरली 0.4 से 0.6 mm वेरी करती है जिसे हम विनर्स बोलते हैं. और जो हमारी मैक्सिमम थिकनेस है वो हमारी 1 mm से लेस होनी चाहिए. इससे ज़्यादा नहीं हो सकती विनर की थिकनेस जो मैन्युफैक्चर करते हैं.
सो जो हमारा बेस्ट वुड है वेनरिंग के लिए जो यूज़ करते हैं वो हमारी वॉलनट है, बट अदर वुड्स भी हम यूज़ करते हैं, टीक हो गया, रोज वुड हो गया, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द विनर्स। सो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कटिंग थिन लेयर्स ऑफ वुड बाई ड्रॉइंग अ रोटरी ट्रिल। अब ये हमारा जो कैटेगराइजेशन है विनर्स का, इस बेसिस पे होता है कि हम किस मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में। अगर हम रोटरी मेथड यूज करते हैं तो हम उनको रोटरी विनर्स बोलते हैं, अगर हम उन्हें स्लाइसिंग करके सॉ करके निकाल रहे हैं तो दीज आर कॉल्ड स्लाइस्ड विनर। सो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा डी होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर द वैल्यू ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो टिम्बर है हमारा, ये हमारा नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल है। इसका मतलब जितने भी इसके प्रिंसिपल एक्सिस हैं, लॉन्गिट्यूडनल, रेडियल एंड सर्कमफरेंशियल, ये तीनों डायरेक्शन में हमारी जो ई की वैल्यू होगी वो वेरी करेगी। इट मीन्स टिम्बर हैज थ्री वैल्यूज ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन थ्री डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। और जो हमारा टिम्बर का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इट इज नॉट शार्पली डिफाइंड, इसलिए जो उसकी प्रोपोर्शनल लिमिट है उसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंसीडर करते हैं। और हमारा जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर, वो ये कहता है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग इट शुड बी अबाउट 12.5 फॉर ग्रुप ए कैटेगरी, फॉर ग्रुप बी कैटेगरी 9.8 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से 12.5 किलो न्यूटन एमएम स्क्वायर तक रहती है, ग्रुप सी कैटेगरी में 35.6 से 9.8 रहती है। इन जनरल जो हमारी ई की वैल्यू है आप देखोगे तो वो अराउंड 10 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अराउंड रहती है। सो करेक्ट आंसर इज बी हियर। और जो हमारा जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है टिम्बर का, इसकी भी बात कर लेते हैं, ये अराउंड 1/15 to 1/20 ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बात कर लेते हैं द एज ऑफ ट्री मे बी असर्टेंड बाई। सबसे पहले हमारी ट्री का मैंने क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, इसमें हमारे क्रॉस सेक्शनल कंपोनेंट्स दिखाए हुए हैं। ये हमारा पिथ है जो कि हमारा हार्ट में होता है, एंड दिस इज अ फ्रायबल टिश्यू, ठीक है। और ये हमारी कुछ रेज दिख रही हैं इन द क्रॉस सेक्शनल डायरेक्शन, दीज रेज आर कॉल्ड मेडुलरी रेज। ये करती क्या है, ये हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं विच ट्रांसपोर्ट द फूड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द हर्ट ऑफ द वुड टू द बास्ट। बास्ट हमारी आउटर लेयर है, तो हमारा क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो फूड ट्रांसपोर्टेशन होता है मेडुलरी रेज से होता है। और जो हमारी ये सर्कुलर रिंग्स दिख रही हैं, दीज सर्कुलर रिंग्स आर कॉल्ड एनुलर रिंग्स, एंड ये डिसाइड करती हैं हमारी कि ट्री की एज कितनी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी गवर्न्ड बाय द नंबर ऑफ एनुलर रिंग्स। यहां पे और भी ढेर सारे मैंने कंपोनेंट दिखाए हुए हैं, इसके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में बात कर चुका हूं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।